हेलो दोस्तों, हेलो टेकी दोस्तों। आज हम एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम DBWare इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे एक डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने SQL की जर्नी। आप लोगों ने बहुत सारे SQL के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, हम मिलके बहुत सारे SQL के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और वैसे कई लोगों ने पूछा है कि कैसे इंस्टॉल करें और फिर कैसे डेटा इंपोर्ट करें, वो भी सिखा दो। वैसे आज सिखा दूंगा कैसे क्या कहते हैं इंस्टॉल करते हैं, फिर डेटा इंपोर्ट एक सिखा देता हूँ। और भी आपको चाहिए तो मेरे को प्लीज़ बताना, उसके बाद हम आगे बहुत सारे चीज़ें सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और कैसे DBWare इंस्टॉल करना है सिखाता हूँ मैं। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने देखा 80% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 80 नहीं शायद 80 से ज़्यादा 85% लोग वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार मोटिवेट कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मज़ा आ रहा है तो ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और SQL फोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है, सॉरी एज खोल लिया है, और यहाँ पे google.com खोल लिया है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे DBWare, BEAVR, DBWare डाउनलोड कर देंगे। DBWare डाउनलोड करेंगे तो यहाँ DBWare कम्युनिटी पेज आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा। आप विंडोज़ के हैं तो विंडोज़ का डाउनलोड कर सकते हैं, मैक का डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मेरे पास एक मैकबुक है तो मैं मैकबुक में भी इंस्टॉल करके मैक का भी यूज़ करता हूँ, DBWare काम करता है। वहाँ पे भी अगर किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी कंपनीज में पहले का जब काम किया है, जब मैंने क्लिक हाउस करके एक डेटाबेस रहता है, फिर MySQL रहता है, Oracle रहता है, जो भी है कोई भी डेटाबेस, हम उसमें ज़्यादातर डेटाबेसेस कनेक्ट कर सकते हैं DBWare के थ्रू। एक अच्छा सा ID है, सो डाउनलोड कर सकते हैं चाहे वो मैक हो या विंडोज़ हो। तो यहाँ पर हम विंडोज़ इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे। यहाँ डाउनलोड ख़त्म होने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड हो गया, मैं डायरेक्टली यहीं से रन कर दूंगा, 10 सेकेंड रिमेनिंग। तो DBWare हम किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट सकते हैं और कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें चाहिए रहती हैं। अगर आपके ऑफिस में भी आप कई डेटाबेस हैं तो वो DBWare से आप क्या कहते हैं DBWare इंस्टॉल करके आप वो डेटाबेस को DBWare से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, मतलब डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल करते हैं या फाइल ओपन फाइल, और ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, या लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ओके एंड देन नेक्स्ट, आई एग्री, मैं फॉर एनीवन कर दूंगा, बस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, फॉर एनीवन कर दूंगा। और यहाँ रीसेट सेटिंग नहीं चाहिए, एसोसिएटेड SQL क्यों, क्योंकि अगर कोई भी फाइल .sql से हो, मैं चाहता हूँ कि DBWare ही खोले, तो इसलिए .sql वाली फाइल को मैं DBWare से खोलना चाहूँगा। नेक्स्ट कर देंगे और फिर यहाँ DBWare ये लोकल मोस्टली जो डिफ़ॉल्ट पाथ है उसी में रहने दूंगा मैं, और इंस्टॉल कर दूंगा मैं, और इंस्टॉल होने का वेट करेंगे, फिर खोलेंगे और देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। तो 2-3 ऑप्शन है, ध्यान से देखना और वो चूज़ कर लेना। और यहाँ क्रिएट डैशबोर्ड, आपको ज़रूरत है तो करिए, नहीं तो नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ फिनिश कर दूंगा और यहाँ फिनिश कर दूंगा, फिर मैं स्टार्ट में जाके DBWare सर्च करूँगा और ओपन कर दूँगा। ठीक है, बाकी सब मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, बस DBWare खोलने देता हूँ। वेट करते हैं DBWare को खुलने का, पहली बार खुल रहा है तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, बाकी सब टाइम तो जल्दी जल्दी खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ ऐसे खुल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले DBWare इंस्टॉल कर रखा था, तो ये सब आप भूल जाइए। तो अगर मैं इस डेटाबेस को भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये कनेक्ट किया था, तो आप डिलीट कर देता हूँ आपके समझाने के लिए। ठीक है, एंड एक बार देख लेते हैं कुछ टेबल वेबल, हमने एम्प्लॉय व्यू टेस्ट, टेस्ट में क्या कॉलम्स हैं, ठीक है तो कुछ खास है नहीं। टेबल्स में था एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय टेबल था इसमें। ठीक है, तो इसका अगर हम तो ठीक है, मैं ये सैम्पल जो डेटाबेस है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक बार डिलीट कर देता हूँ, रिश्वर वांट टू डिलीट, यस डिलीट। फिर मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा और हम SQL लाइट डेटाबेस नेक्स्ट कर देंगे।
ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप एसक्यूएल लाइट करके मैंने डेटाबेस बना दिया है, तो सिंपल है। यहाँ से ऐसे जाएंगे, क्रिएट एसक्यूएल लाइट आप चूज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कोई भी एक पाथ दे देंगे, जैसे कि मैंने पाथ दे दिया है। आप ओपन करने हम क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करेंगे तो आप डीवीआर के लोकल पाथ नहीं जो गया हूँ वहाँ पर मैंने टेस्ट टेस्ट डीबी हाँ ऐसे कुछ बना दिया, सेव। यहाँ पे आ गया प्रोग्राम फाइल्स डीवीआर टेस्ट डीबी, फिनिश किया मैंने, ये टेस्ट डीबी बन गया यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट डीबी बन गया सिंपल। इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, क्रिएट, यहाँ पे हम एक एसक्यूएल एडिटर ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट टेबल, टेबल नेम कर देंगे टेस्ट, और कुछ भी बना लेते हैं ऐसे, जैसे कि हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट एडमिशन आईडी कर देंगे ना, एडमिशन आईडी नंबर, ठीक है, मेरी की, ठीक है, कॉमा डाल के नेम एयर केयर ऑफ 30 कैरेक्टर्स कर देते हैं। फिर ऐसे क्लास लिख लेते हैं, वेर कैर क्यों चाहिए, नंबर ना, नंबर डाल देंगे, ठीक है, नंबर क्लोज करके ऐसे एग्जीक्यूट किया। एंड अपडेटेड रो जीरो, क्रिएट टेबल टेस्ट क्रिएटेड, यहाँ पे हम ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश और देखेंगे टेबल टेस्ट क्रिएटेड है। यहाँ पे ऐसे करता हूँ मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेस्ट का सेलेक्ट करके डाल देंगे यहाँ पे, और फिर सेमीकोलन डाल के एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे कोई डेटा है नहीं चाहिए, तो हम इंसर्ट कर लेते हैं थोड़ा डेटा, इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज़, ये इस वैल्यूज़ टेस्ट का पहला क्या है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी की है, तो आईडी वन डाल देते हैं, नंबर है तो नाम डाल देते हैं, ऐसे कृष्णा डाल देते हैं, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, नंबर क्लास में टेंथ में क्लास में यार ऐसे कर दिया। फिर इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज 2, कायाकिंग, वैसे आप लोग को पता है या नहीं पता है कायाकिंग का मतलब क्या होता है, तो जिन जिन को पता है ये कायाकिंग क्या है और मेरे नाम में ये कायाकिंग क्यों आता है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और जिनको नहीं पता है, आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई पूछने के लिए कि मेरा नाम क्यों ऐसा है, तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना ज़रूर कि मेरा नाम मेयर में काइकिंग काइकिंग क्या लगाता रहता हूँ, काइकिंग है क्या और एक्चुअली में होता क्या है और क्यों मैं अपने नाम में काइकिंग लगा रखा है। जिसको पता है प्लीज़ कमेंट करके बताना, जिसको नहीं पता है क्यूरियोसिटी हुई या नहीं ऐसे करके बताना ज़रूर कि हाँ क्यूरियोसिटी तो है, ये कृष्णा काइकिंग क्या होता है और यहाँ किंग आ जाता तो सोचते राजा बनना चाह रहा है क्या, ऐसा मतलब तो है नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना, थोड़ा देखते हैं मज़ा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंसर्ट, तीन इंसर्ट कमांड लिख देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट आता है एसगेट एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्क्रिप्ट, ठीक है। मैं वो डायरेक्ट रन कर देता हूँ, क्वेरीज 3 अपडेटेड 3 रिकॉर्ड्स, 10 मिली सेकेंड्स में हो गया। तो फिर वापस आके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट है, कंट्रोल एंटर मारूंगा सिंपल ऐसे, आप सेलेक्ट करके ये भी ऐसे रन कर सकते हो या फिर यहाँ पे इस क्वेरी में कहीं भी, तो ये इस सेमी कोलन से इस सेमी कोलन तक जो भी क्वेरी है रन करेगा। यहाँ पे आप आके डायरेक्ट ऐसे रन कर सकते हो या सेलेक्ट करके ऐसे रन कर सकते हो या फिर इस क्वेरी में कहीं भी रह करके कंट्रोल एंटर मारेंगे तो आप ऐसे भी रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया 1, 2, 3, मैंने कृष्णा कायकिंग TKK ऐसे डाला था, देखिए ये जो जो इंसर्ट डाले थे ये सब, तो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं डेटा। मेरे को लगता है आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, तो इस तरह से क्रिएट क्वेरी में कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं DDL कमांड्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, तो DDL कमांड्स के ऊपर मैं ऐसे बनाऊंगा वीडियोस। आप बहुत सारे क्रिएट कमांड्स ट्राई कर सकते हैं और बहुत सारे इंसर्ट कमांड्स ट्राई कर सकते हैं, इसके बाद अपडेट भी होते हैं, रीनेम होते हैं, वो सब भी अगर आप चाहते हैं मैं सिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, DDL कमांड्स करके लिखना, जितने DDL कमांड्स आएंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और ऐसे हम बहुत मज़ा कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है SQL में खेलने के साथ। आपने देखा सिंपल, हमने 2 या 5 मिनट में
एक डेटाबेस बना दिया, डेटाबेस बना के टेबल बना दिए, उसमें डेटा भी डाल दिए, और इस टेबल में अगर हम थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स डालना चाहते हैं फ्रॉम एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल, वो भी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वो एक रियल टाइम काम है जो हम जब काम करते हैं ऑफिस में, तब हम कैसे इतने सारे डेटा इंपोर्ट करें, इंसर्ट कमांड लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कैसे हम डायरेक्ट क्या कहते हैं एक फाइल से, सीएसवी फाइल हो या एक्सेल फाइल हो, उस पर डेटा कैसे हम डायरेक्टली डाल सकते हैं टेबल में, तो वो सब भी आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के बताना, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इस तरह के कंटेंट मजे आ रहे हैं, सीखने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करके, वह रेड रेड बटन है दबा जरूर देना, ठीक है ठीक है, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। और क्या कहते हैं अगर आपको मेरे से बात करनी है वन ऑन वन, तो मैंने लिंक नीचे दे रखा है टॉप मेट में, आप जा करके मेरा कैलेंडर के हिसाब से आप वन ऑन वन फिक्स कर सकते हैं। इस बार मैंने प्राइस भी थोड़ा लो कर दिया है क्योंकि थोड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, मेरे पापा का बर्थडे था एंड बहुत सारे अच्छे रीजंस हैं, तो मैंने रेट भी थोड़े नीचे कर दिए हैं और लोगों को गाइडेंस भी ज़्यादा चाहिए। मैंने जानबूझ के रेट नीचे किया है क्योंकि कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को अप्रोच करें और मेरे से मदद लें, एंड मैं फ्री में इसलिए नहीं करना चाहता था कि लोग फ्री में आएंगे तो सीखेंगे जानेंगे, वो लोग दे विल नॉट कम विद अ सीरियस मोटिव, तो जो लोग सीरियस हैं वही लोग आएँ, वही लोग सीखें, उनको मदद करने में मज़ा आता है और उनको मदद करके मैं सेटिस्फैक्शन भी आता है कि ये लोग ध्यान से सुन रहे हैं और मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे। तो ठीक है, आप प्लीज़ मेरे साथ बात कर सकते हैं, चाहे गाइडेंस के लिए हो या फिर ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हो, या फिर कोई मॉक इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यू चाहते हैं कि मैं उनका मॉक इंटरव्यू लूँ, या फिर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, खुद के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर मेरे से कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, मैं कैसे डील करता हूँ, तो ऐसे कई तरह के डिफरेंट सर्विस मैंने टॉप मेट में लगा रखे हैं। आप जिस तरह से बात करना चाहते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तो उस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस, और मेरा कैलेंडर उसमें रहेगा, आप वो कैलेंडर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं एंड मेरे साथ बात कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियोज़ अगर बहुत मज़े आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, कंटेंट लाने में, बनाने में, और आपको इस तरह से अच्छे से प्रेजेंट करने में और थोड़ा हंसी मजाक करते हुए करने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, मज़ा करते रहिए, स्किल फोड़ते रहिए, चलिए बाय।